हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से ही यूजीसी नेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी, पहले सीबीएसई के द्वारा कराई जाती थी और अब यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा करवाई जाएगी। तो आज जो इसका बुलेटिन आया है उसमें जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम बात करें अप्लाई की, तो आज से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं यानी 1 सितंबर 2018 से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2018 के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। और जो फाइनल सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर अक्टूबर 2018। फीस की अगर हम बात करें तो फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 400, जबकि ST और SC कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 200 रुपये हैं। पहले से ये थोड़ी कम है, लेकिन GST अगर इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो हो सकता है कि उतनी ही फीस बन जाए। करेक्शन की अगर हम बात करें, यदि आपका कोई करेक्शन हो जाता है एप्लीकेशन में तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। NTA इसके लिए अपनी जो वेबसाइट है वो 8 अक्टूबर 2018 को फिर से खोलेगी। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में आप अपना करेक्शन सुधार सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आप 19 नवंबर को डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के, यूजीसी नेट की। और जो टेस्ट होगा यानी जो पेपर लिया जाएगा यूजीसी नेट का, वो संडे टू संडे होगा। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जो यूजीसी नेट का जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली जो शिफ्ट होगी वो 9:30 से 1 बजे तक की होगी और दूसरी शिफ्ट 2 से 5:30 बजे तक की होगी। टाइमिंग उतना ही मिलेगा पेपर में जितना पहले होता था। पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा और दूसरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। तो जो पहली शिफ्ट के जो लोग होंगे उन्हें 7:30 से 8:30 के बीच में वहाँ पहुँचना होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट के लोगों को 12 से 1 बजे के बीच में वहाँ रिपोर्ट करना होगा। पैटर्न की अगर हम बात करें यानी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जबकि पहले जो टेस्ट होता था वो ऑफलाइन होता था, इस बार कंप्यूटर बेस्ड होगा। और पैटर्न सेम है जैसा कि पहले था, 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। दूसरा पेपर जो होगा आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा, जो आप सब्जेक्ट चुनते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी सेम है, यदि किसी भी व्यक्ति ने 55% लेकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति SC ST OBC से रिलेटेड है तो फिर वो 50% उसको ज़रूरी है इस पेपर में अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है, जो रिजल्ट आएगा वो उसी बेस्ड पे होगा कि यदि किसी भी सब्जेक्ट पर जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उसमें 6% लोग ही बस उसमें सिलेक्ट होंगे, और 6% में से जो टॉप होंगे उन्हें JRF दिया जाएगा और उससे जो कम होंगे उन्हें नेट क्वालिफाई घोषित किया जाएगा यानी अनाउंस होगा। और एक बात और जो आपको ध्यान रखने की है वो ये कि जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उसे दोनों पेपरों में मिलाकर 40% लाने ही हैं। अगर कोई जो कैंडिडेट है वो SC ST या OBC से है तो उसे दोनों पेपर में मिलाकर 35% लाने होंगे UGC नेट को क्वालिफाई करने के लिए। ये UGC नेट का ऐप है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वो सारी जानकारियां हैं जो कि NTA के द्वारा स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं, और ये अपडेट है, नया ऐप है जो कि NTA के द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी कोई और भी समस्याएं हैं NTA से रिलेटेड, यानी आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो कोई और समस्या अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पे अप्लाई कर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि समस्या कोई बड़ी है तो आप इनके हेडक्वार्टर पे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है, RKpuram और बुद्धा नगर नोएडा में ये इनका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।